जलंधर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अमृतसर के एयरपोर्ट के बाहर महिला कांग्रेस ने तोष प्रदर्शन किया। इस दौरान केजरीवाल को काली झंडियां दिखाई गई और केजरीवाल के काफिले को भी रोका गया। हालांकि पुलिस ने इस दौरान प्रदर्शनकारियों को जबरन रास्ते से खदेड़कर काफिले को रवाना कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। पंजाब महिला कांग्रेस की प्रधान ममता दत्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने महिलाओं से निपटने के लिए लेडी पुलिस तैनात नहीं की और पुरुष मुलाजमों ने ही उनके साथ हाथों पाई की। पुलिस ने हमें क्यों हाथ ला मारे, क्यों मेरी बहनों को घायल किया और खुद भी मेरे को इन्होंने मारा है, डांट मारी है मेरे को, खुद भी इन्होंने गाड़ी के आगे नहीं होने दिया। और केजरीवाल ने सब चीजें अपनी आंखों से देखी है, जो मेरी आज मेरी मैं महिला कांग्रेस की प्रधान हूँ, अपनी बहनों के साथ हूँ, इन्होंने हमारे साथ ऐसे कर, तो आम लेडीज के साथ ये लोग क्या करेंगे। और पुलिस प्रशासन का रोल बिल्कुल गलत था, इन्होंने क्यों अपनी फीमेल पुलिस क्यों नहीं आगे करी, इन्होंने क्यों अपने जेंट्स मेल आगे करे जिन्होंने मेरे को खुद ऐसे ऐसे आम वहाँ के धक्के दिए। और मेरे को हमारा हाल है, बड़े शर्म की बात है, इनके जिन पुलिस वालों ने मेरे को हार्ड है उनको उतारना चाहिए। उनकी जुर्त कैसे हो गई हमें मारने की, हमें डांडे मारने की, मेरी बहनों को डांडे मारने की। हमारे सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी के कैप्टन साहब आएंगे, इनसे एक से एक से बदला लेंगे हम। अमृतसर से जाट टीवी न्यूज के लिए धर्मवीर गिल की रिपोर्ट।